हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार कंफर्म करें कि मेरी वॉइस क्लियर है। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। आप सभी के पास मोड पे जाके चैट का ऑप्शन आ रहा होगा। चैट पे आप सभी लोग रिप्लाई कर सकते हैं एंड आपके सभी मैसेज में मेरे पास शो होते रहे। तो वेलकम है आज गाइज आप सभी लोगों का। काफी सारे यंगस्टर्स हैं हमारे बीच में। एक बार मेरे को कंफर्म करें आप लोग किस एरिया से बिलोंग करते हैं एंड अभी करंटली करते क्या हैं। हाँ जी, चैट पे आप सभी लोग रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, आई थिंक मेरी वॉइस सभी को क्लियर है एंड सभी एक्टिव है मीटिंग के अंदर। तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। तो वेलकम टू आवर डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन। आज के टाइम पे आप सभी लोगों को पता ही है कि हम डिजिटली बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। तो अब हमें वर्किंग जो है वो भी डिजिटली सीखनी है। तो उसी के रिगार्डिंग आज ये अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, है ना। तो काफी सारे स्टेट, अलग अलग स्टेट से हमारे साथ काफी सारे पर्सन ज्वाइंट हैं। कुछ लोग जयपुर से हैं, कुछ लोग चंडीगढ़ से हैं एंड आई थिंक कुछ लोग कर्नाटका साइड से हैं, है ना। तो सभी लोग मीटिंग जो वो ध्यान से अटेंड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू रेडी? क्या आप सभी लोग मीटिंग के लिए रेडी है? सबसे पहले तो अपना अपना स्क्रीनशॉट लीजिए एंड जिन्होंने आपको ये मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया है आप उनको स्क्रीनशॉट भेजिए, ताकि ये क्लियर हो सके कि उनको भी पता लग सके कि आप विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, कि ना बिना किसी प्रॉब्लम के आप मीटिंग ज्वाइन कर चुके। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने अपने जिन्होंने आपको लिंक भेजा है उनको आप ये स्क्रीनशॉट जरूर भेजिए, ताकि उनको भी कंफर्म हो जाए एक तरीके से अटेंडेंस के तौर पर। ओके, रेडी है जी सभी? फिर करें स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे अवे फ्रॉम डिस्टरबेंस। अपना फोन जो है थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर दीजिए। अगर बीच में किसी का कोई फोन आता भी है तो आप थोड़ी देर के लिए अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में फोन अटेंड करेंगे तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा और मीटिंग 5 मिनट निकल जाएगी, राइट। तो सभी लोग अपने फोन को साइलेंट पे कर दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस की मीटिंग अटेंड करनी, किसी साइलेंट प्लेस पे बैठ के, फैमिली से दूर, दोस्तों से दूर, साइलेंट प्लेस पे जहाँ पे आपका नेटवर्क जो है प्रॉपर तरीके से वर्किंग हो, ताकि सारा कुछ आप डीपली अंडरस्टैंड कर सके कि आपको वर्किंग यहाँ पे क्या करनी है, कैसे करनी है और किस तरीके से करनी, राइट। द माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट वर्क्स बेस्ट व्हेन इट इज ओपन। देखो गाइस, अगर हम अपने माइंड को ना ब्लॉक करके बैठेंगे तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा। अपने माइंड को हमें थोड़ा सा ओपन करके बैठना है, ताकि आपको सारा कुछ क्लियर हो सके। जैसे पैराशूट है, अगर वो बंद रहता है तो किसी काम करें वो तभी काम आता है जब वो ओपन रहता है, राइट। तो अपने माइंड को भी हमने यहाँ पे ओपन करके बैठना है, ताकि नो डाउट आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, आपको मेरे से बहुत ज्यादा नॉलेज होंगी, बहुत ज्यादा आप लोगों ने सीखा हुआ है, बट हमें कहीं से भी कुछ भी सीखने का मौका मिले तो हमें सीखना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, ताकि हम लोग भी उसको ग्रैब करके स्टार्टअप कर सकें। क्योंकि कुछ नई चीजें हैं जो आज आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें, आज कुछ प्रैक्टिकल बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। एक चार लोगों का जो फैमिली होती है उसका गुजारा करने के लिए एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट क्या है आज का टाइम पे इंडिया, है ना। 1940 में 10 रुपए से हमारे घर का खर्चा अच्छे से पूरा होता था गाइस। अब क्या हुआ जी, 20 साल बाद एक जीरो और ऐड हो गई है। 1960 में 100 रुपीज, उसके 20 साल बाद एक जीरो और ऐड हो गई, उसके 20 साल बाद एक जीरो और ऐड हो गई, और 2020 में मिनिमम जो इनकम होगी जी वो 1 लाख रुपीज चाहिए आपको अपनी फैमिली के खर्चे अच्छे से पूरे करने के लिए। अब 2020 भी जा चुका है, 21 जा चुका है, 22 जा चुका है, 23 जा चुका है, 2024 चल रहा है गाइस, और उसका भी सेकंड मंथ चल रहा है ना। तो हमें थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा, तो नहीं तो टेंशन होने वाली है, क्योंकि आज से 20 साल बाद एक जीरो और ऐड होने वाली है। मतलब मिनिमम जो इनकम चाहिए वो 10 लाख रुपए चाहिए होगी अपने फैमिली का गुजारा करने के लिए, अच्छे से अपने सब कुछ मैनेज करने के लिए और अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए। आप लोगों को शायद शॉक होने वाली बात होगी, बट ये रियलिटी है और यही फैक्ट है। अगर हम आज इस चीज को नहीं समझेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। हमें थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करने की नीड है, इसीलिए मीटिंग रखी गई है, ताकि हम सभी लोग खुद को थोड़ा सा अपग्रेड कर सके। अब पर्पस क्या है इस मीटिंग का? पर्पस है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्प यू बिल्ड एक्स्ट्रा इनकम सोर्स। आप सभी लोग यहाँ पे क्यों आए? आप सभी लोग ये मीटिंग अटेंड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप सभी लोग एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हैं, यस और नो? हाँ जी, चैट सेक्शन में आप सभी लोग रिप्लाई कर सकते हैं। करना चाहते हैं सभी लोग एक्स्ट्रा इनकम अर्न? कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं, वो भी यही चाहते हैं कि हमें पार्ट टाइम अर्निंग हो सके। कुछ लोग हाउसवाइफ हैं, वो भी यही चाहते हैं कि हम जो अपना फ्री टाइम है उसको यूज कर सके। एंड कुछ लोग जो जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ पार्ट टाइम अर्निंग करना चाहते हैं, हम सभी लोग यही चाहते हैं। सेकेंड, जो आपको यहाँ पे सीखने का मौका मिलने वाला है वो क्या है, आपकी जो स्किल्स है। आज के टाइम पे आप सभी लोगों को पता है कि स्किल्स मैटर करती है, कहीं पे भी अगर हम काम करना शुरू करें स्किल्स को डेवलप किया जाएगा। हम आपको सिखाने वाले हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी इंप्रूव की जाएगी,
ऑनलाइन वर्किंग कैसे करनी है ना, बहुत सारी स्किल्स मतलब कि यहाँ पे आपको सीखने का मौका मिलने वाला है। विदाउट स्किल्स आप कहीं पे भी सर्वाइव नहीं कर सकते आज के टाइम पे, राइट। एंड थर्ड जो आपकी हम हेल्प करने वाले हैं, जो हम गेन ग्लोबल एक्सपीरियंस, आपको यहाँ पे बहुत तगड़ा एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस मिलने वाला है, ताकि आप कहीं पे भी मार ना खाए, आप कहीं पे भी आगे बढ़ सके, राइट। और ये एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है हम सभी लोगों को आगे ले जाने के लिए। यस सर नो? हाँ जी, क्लियर हो रहा है? तो हम आगे चलते हैं। एंड हम सभी का कुछ एक्स्ट्रा टाइम जो बचा होता है, कन्वर्टिंग योर फ्री टाइम टू प्रोडक्टिव टाइम। अब हम सभी के पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम होता है, जैसे कि जो स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा टाइम होता है जो हम वेस्ट कर रहे होते हैं अपना सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे कि आप सभी लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, है ना, और भी बहुत सारी जो है सोशल मीडिया साइट, उस पर हम अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। बट उसी टाइम को अगर आपको यूज करके अर्निंग करने का मौका मिले तो कैसा रहेगा दोस्तों? बढ़िया रहेगा। हाँ जी, तो एक्साइटेड है सभी? ये कुछ प्रैक्टिकल बातें मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से यहाँ पे क्लियरिटी होके एंड आप सभी लोग स्टार्टअप कर सके। बाकी थोड़ा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ जी। नाम मेरा मनोज शर्मा है। बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पास आउट हूँ एंड 2012 फर्स्ट डिवीजन से मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की हुई, और 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे को एमएनसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। जॉब मैंने किया है एमएनसी कंपनीज में। एंड इस अपॉर्चुनिटी को जब मैंने 2017 में स्टार्टअप किया था, एंड आज के टाइम पे यहाँ पे काफी अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ, एंड काफी सारे यंगस्टर्स को मैं ग्लोबली सिखा रहा हूँ कि ऑनलाइन वर्क हम कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करने में उनको हेल्प कर रहा हूँ, ताकि आप सभी लोग अपना फ्री टाइम यूज करके अर्निंग कर सकें। हम ऑफलाइन भी सिखाते हैं, ऑफलाइन भी हमारे अलग अलग एरिया में ऑफिस ओपन हो चुके हैं, एंड ऑनलाइन हम कर सकते हैं। हम सभी के पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, इंटरनेट कनेक्शन है, बट हमें ये नहीं पता कि हमने उसका यूज कैसे करना है ना। तो वही सारी चीजें मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और आपको ये सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। क्या आप सभी लोग रेडी हैं सीखने के लिए? हाँ जी, जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, ये सारा स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था। आज के टाइम, आज से कुछ टाइम, साल पहले आपने देखा होगा अमेजोन को कोई भी नहीं जानता था, है ना, जीरो से स्टार्टअप किया। एप्पल को कोई नहीं जानता था, गूगल, एचपी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आप लोगों ने सुनी है, डिज्नी, हार्ले, बहुत सारी कंपनीज कोई नहीं जानता था। बट आज के टाइम पे ये लोग कहाँ हैं? ये लोग वहां से जीरो से स्टार्टअप करके आज यहाँ पहुंच चुके हैं, आज एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुके हैं। एप्पल एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुके हैं, है ना। ऐसे ही गूगल को हम सभी जानती हैं, गूगल पे सर्च करता है ना, सर्च हम वहीं से स्टार्टअप करते हैं अपना। एंड ऐसे ही कुछ लोग जिन्होंने मेरे साथ स्टार्टअप किया था, आज वो भी मंथली काफी अच्छी यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, पार्ट टाइम स्टडी के साथ, यहाँ तक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हमारे साथ वर्किंग है ना। और कोई 12,000, कोई 15,000, कोई 22,000, कोई 23,000, और कुछ 30,000, कोई 5,000, कोई 6,000, जितना आप पोटेंशियल यहाँ पे रखते हैं आप उस हिसाब से अर्निंग कर सकते हैं। आपके सामने ये लोग हैं, इन्होंने भी ऐसी सोशल मीडिया के थ्रू मेरे साथ कॉन्टेक्ट किया था, और आज के टाइम पे ये सभी लोग एक अच्छी अर्निंग करनी यहाँ से शुरू कर चुके, राइट। तो सेम अपॉर्चुनिटी गाइज आपके लिए है, बट मैं आप लोगों को एक चीज और क्लियर कर दूं, हम यहाँ पे सिर्फ कुछ लोगों को ही सिलेक्ट करने वाले हैं वर्किंग के लिए। जो लोग सीरियसली हमारे अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, जो लोग सीरियसली पूरी मीटिंग जो है प्रॉपर लगाएंगे एंड तक, प्लस जो लोग ट्रेनिंग्स का पार्ट बनेंगे, उन्हीं लोगों को हम यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं, सभी लोगों को हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे, ओके। अब देखिए, हम मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल सी बात शेयर करूँ। हम सभी लोग अर्निंग के बहुत सारे ऑप्शन चूज करते हैं, बट आज के टाइम पे देखा जाए तो हम सभी लोग स्टार्टिंग कैसे करते हैं, हम लोग अपनी शुरुआत कैसे करते हैं, हम सभी लोग पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं 10th की, +2 की, उसके बाद हमने अपनी ग्रेजुएशन की, मास्टर की, इंजीनियरिंग कुछ भी की, है ना। अब स्टडी करने के बाद हम सभी लोग क्या चूज करते हैं कि हमें एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। बेसिकली हम इसीलिए तो स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली हम इसीलिए तो पढ़ाई कर रहे हैं, बट जॉब्स का गाइस क्या हाल है आज के टाइम पे वो आप सभी को पता है, मेरे को बताने की आई थिंक नीड नहीं है। क्लियर हो रहा है? जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, अखबार रीड करते हैं, न्यूज़पेपर, आप लोग, देश में 13.6 करोड़ नौकरियों पर खतरा, एंड दैट्स फैक्ट, दैट इज रियलिटी। हर साल कितना सारा यूथ, कितने सारे यंगस्टर्स हैं जो स्टडी कर करके निकल रहे हैं, बट आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, सभी को जॉब्स मिल जाएंगी? डे बाय डे बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है, ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता। न्यूज़पेपर्स भरे पड़े हैं, है ना, न्यूज़पेपर्स के साथ साथ तो टीवी में आप लोगों ने देखा होगा, इतनी फीस भर रहे हैं हम लोग, इतनी सारी तैयारी कर, इतनी सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, प्राइवेट जॉब्स के लिए, बट जॉब्स ही नहीं मिलती है। जॉब्स है कुछ लिमिटेड, एंड अर्निंग करने के लिए बहुत सारी जनता बैठी है, बहुत सारे लोग हैं जो अर्निंग करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपना एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, बट जॉब्स ही नहीं मिल रही है ना। क्लियर हो रहा है? उसके बाद हम सभी जैसे पढ़ाई कर ली, बाहर क्या होता है, बाहर फॉरेन कंट्रीज में नो डाउट कुछ अच्छी इनकम हमें मिल जाती है,
बट उसके कंपैरिजन अगर इंडिया की बात करें तो हमें यहाँ पे एक अच्छी इनकम यहाँ पे हमें प्रोवाइड नहीं की जा रही है। नो डाउट हम इनपुट बहुत ज्यादा डाल रहे हैं बट उतनी आउटपुट नहीं मिल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं सभी प्रोफेशन मैंने ऑलमोस्ट लिखे हुए यहाँ पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रिटेल सेल्स मैनेजर, एचआर मैनेजर, सिविल इंजीनियर, लेक्चरर, पर्सनल बैंकर, है ना। एनुअली जो इनकम है वो 4-5 लाख या 6 लाख महीने का, मतलब एनुअली हम मुश्किल से अर्न कर रहे हैं, राइट। हम कह रहे हैं भाई हमें ज्यादा इनकम चाहिए, हमारी कैपेबिलिटी ज्यादा है, राइट, हम ज्यादा अच्छा इनकम वर्क कर सकते हैं। बट हो क्या रहा है, कंपनीज क्या कह रहे हैं, भैया नहीं चाहिए आपकी कैपेबिलिटी, राइट, हमारे पास और बहुत सारे लोग हैं, हम हायर पेड एजुकेशन के अकॉर्डिंग है बट कम सैलरी में काम करने वाले हमें बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो पहले काम करे तो उनको बाहर कर दिया जाता है, ये भी एक फैक्ट है। दूसरी चीज है ना, दूसरी चीज क्या है जी, साथ साथ AI, आज ऑटोमेटिक सिस्टम डे बाय डे इतना ज्यादा बढ़ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके थ्रू बहुत सारी नौकरियों पर संकट आ चुका है, बहुत सारी नौकरियां खतरे में है, और 2030 तक 90 करोड़ नौकरियां और संकट में होने वाली है। क्लियर हो रहा है? अब हमें थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अदरवाइज हम गाइस पीछे रह जाएंगे, है ना। रैट रेस का पार्ट हमें नहीं बनना है, हमें रैट रेस से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, अपना थोड़ा सा जो माइंड सेट है उसको चेंज करना पड़ेगा। रैट रेस क्या है, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, नौकरी खोजो, कर्ज चुकाओ, 2 हफ्ते की छुट्टी, 45 साल काम करो और अंत में मर जाओ, खत्म। क्या बस यही लाइफ जीने के लिए पैदा हुए आप सभी लोग? हाँ जी, नो, वी हैव ड्रीम्स, हम सभी लोगों के कुछ ना कुछ ड्रीम्स हैं और उन ड्रीम्स को हम लोग पूरा करना चाहते हैं, उन ड्रीम्स को हम अचीव करना चाहते हैं, बट वो होंगे कैसे, उसके लिए हमें अपनी मेंटेलिटी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब हम बाहर बात करें, जो बाहर लोग काम करते हैं, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमने जॉब की बात कर दी, दूसरी साइड अगर हम बिजनेस की बात करें, बाहर अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ग्रेट आइडिया चाहिए, उसके बाद लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट चाहिए, फिर उसके बाद आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, जो प्रोडक्ट आपका 1-2 रुपए का तैयार हुआ था वो मार्केट तक आते आते 30-40 तक का पहुंच जाता है ना, उसके बाद जाके आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। तो हमारे पास बिजनेस स्टार्टअप बाहर अगर हम स्टार्ट करें भी बिजनेस, तो कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें हमें ये ही नहीं पता, बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा ये भी नहीं पता, कितना ज्यादा रिस्क है आज के टाइम पे बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। बहुत सारे आपने मार्केट में देखे होंगे बिजनेस ऐसे बिजनेस वैसे, बट कौन सा बिजनेस करना चाहिए क्या आपको पता है? इन्वेस्टमेंट, कॉम्पिटिशन, इनइफेक्टिव मार्केटिंग, कितना सारा कुछ हमें वहां पे देखना पड़ता है। अब आप कहोगे सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, आपने जॉब का भी बता दिया, बिजनेस का भी बता दिया, तो अब हम करें तो करें क्या है ना। अब आप कहेंगे कि हमें तो कंफ्यूज कर दिया सर ने, जॉब एंड बिजनेस करना क्या है भैया, हमें वो तो पता ही नहीं चल रहा। तो वही चीज मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, पावर ऑफ सोशल मीडिया। हम सभी के पास एक स्मार्टफोन है, एक लैपटॉप है, एक इंटरनेट कनेक्शन है, इसको हमें यूज करना है अर्निंग करने के लिए। हम सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, बिना कहीं जाए अपने जो टाइम है उसको यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई हमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मेरे को आपके पैसों की नीड नहीं है, मेरे को आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। तो अपने माइंड से ये चीज निकाल देना कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको बोलने वाला हूँ या कोई पैसे लगने वाले हैं, राइट, यहाँ पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं है, और आप जितने चाहे उतनी अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं, अर्न अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल। आप जितना टाइम लगाते हैं, जितनी वर्किंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अर्निंग करते हैं, एंड लर्न फ्रॉम द बेस्ट ट्रेनर्स। बेस्ट ट्रेनर्स आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं, मेरी बहुत बड़ी टीम है, बेस्ट ट्रेनर्स है मेरी टीम में, जो आपको हेल्प करने वाले हैं, सिखाने वाले हैं कि आपने कैसे सोशल मीडिया का यूज करना है, सोशल मीडिया से अर्निंग कैसे हो रही है, आप लोगों ने सुना ही होगा। सो इफ यू वॉन्ट टू ग्रो डिजिटली देन शिफ्ट योर माइंड सेट फ्रॉम 1947 टू प्रेजेंट टाइम। वी नोट आर लिविंग इन 1947, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। आप लोगों ने देखा ही होगा आज के टाइम पे सारा कुछ ऑनलाइन होना शुरू हो गया, बैंकिंग ऑनलाइन हो गया, हमें बैंक जाने की नीड ही नहीं पड़ती, गूगल पे, फोन की पे के थ्रू आप कहीं पे भी किसी को भी जितनी मर्जी पेमेंट आज के टाइम पे ट्रांसफर कर सकते हैं, वी डोंट नीड टू गो बैंक, राइट। एंड हम ऑनलाइन शॉपिंग्स कर रहे हैं आज के टाइम पे, घर बैठे हम ऑर्डर डालते हैं, हमारे घर पे ही प्रोडक्ट्स पहुंच जाते हैं, हम चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट है, आप कपड़ों की शॉपिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, है ना, और बहुत सारी चीजें आपके घर पे आते हैं, यहाँ तक कि खाना घर पे पहुंच जाता है आज के टाइम पे। आपको कुछ भी भूख लगी है, आप घर पे हैं, आपको खाना बनाने का मन नहीं है, आपने ऑर्डर किया, आपका खाना आपके घर पे पहुंच जाता है। सो क्यों ना अर्निंग ऑनलाइन की जाए, वर्किंग ऑनलाइन की जाए, जब सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है तो क्यों ना हम अपने काम को भी ऑनलाइन शिफ्ट कर दें। क्या आप सभी लोग रेडी हैं अपने काम को ऑनलाइन शिफ्ट करने के लिए? हाँ जी, क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है सभी को, बोर तो नहीं हो रहे?
इंटरेस्टिंग के साथ समझेंगे तो काफी मजा आएगा, अगर माइंड को ब्लॉक करके बैठ के सुनोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ओपन माइंडसेट के साथ हमने यहाँ पे सुनना है। ओके क्या बात है, कुछ काफी सारे लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि यस सर हमें क्लियर हो रहा है, हम अच्छे से सुन रहे हैं, एंड कुछ लोग रेडी भी हैं स्टार्टअप करने के लिए। ओके गाइस, सो बिल्ड योर ऑनलाइन बिजनेस, हमें ऑनलाइन वर्किंग सीखनी है, ऑनलाइन सारा कुछ सीखना है कि ऑनलाइन हम कैसे अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, ऑनलाइन काम हम कैसे कर सकते हैं, उस चीज के रिगार्डिंग में आज आपको बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। अब यंगस्टर्स की डिमांड क्या है आज के टाइम पे, कि कोई बॉस ना हो, है ना, कोई अलार्म क्लॉक ना हो, कोई लिमिट टाइम की लिमिट ना हो, कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, एजुकेशन रिक्वायरमेंट ज्यादा ना हो, टाइम फ्रीडम हो, हमारे पास आजादी हो, समथिंग पॉजिटिव, कुछ लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, एंड इनकम अनलिमिटेड, हम जितनी चाहे उतनी अर्निंग कर सके, पर्सनल ग्रोथ, लाइफ स्टाइल, लग्जरी, है ना, कितनी सारी 5 स्टार 7 स्टार प्रॉपर्टीज बनी हुई है, वो किसके लिए बनी हुई है, हमारे लिए तो बनी हुई है, राइट। तो वही है हमारी यंगस्टर्स की डिमांड है। अब ये होगा कैसे? किस किस को लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए जरूरी है? सर एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे कि मैंने एक ये वीडियो आप लोगों के लिए निकाली है, ये मनीष सिसोदिया जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, है ना, ये क्या कह रहे हैं कि जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर्स बनना होगा। हम कब तक जॉब के पीछे भागते रहेंगे, जॉब्स तो अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, और मिलती भी है तो वहां पे हमें जो इनकम है वो भी प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, राइट। तो एक छोटी सी क्लिप है, इसको हम थोड़ा सुनते हैं फिर हम आगे चलते हैं। हमें कंसंट्रेशन जो है हमारा वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है, जिससे हमारी स्टडीज में भी हमें हेल्प मिल रही है। एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से क्यों यस ऐसा सर, क्यों हो रहा है एंटरप्रेन्योरशिप सर में? क्योंकि हम सुबह माइंडफुलनेस करते हैं, माइंडफुलनेस करने से हम जो हमारा माइंड है वो एक तरफ कंसंट्रेट रहता है, इसलिए हम स्टडीज में भी कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। ओके, माइंडफुलनेस में क्या करते हैं? सर हम 5 टू 10 मिनट्स में अपनी आईज क्लोज करके एक ही जगह पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। मेडिटेशन, यस सर। गुड। हमारे अंदर जो विकास आता है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप का मेन उद्देश्य ये है कि हमारा सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा है। सर हमें एंटरप्रेन्योरशिप से मोटिवेशन मिलती है कि आगे क्या काम करें और कैसे करना चाहिए। सर हमें ये सिखाया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप में कि हम कैसे दूसरों के जॉब पे निर्भर रहने के अलावा खुद से जॉब क्रिएट करें दूसरों के बहुत लिए, और बढ़िया। इससे हमें किसी के अंदर में जॉब ना करना पड़े। पहला मकसद एंटरप्रेन्योरशिप का ये है कि जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसके दिमाग में ये रहे कि मैं चाहूँ तो नौकरी कर सकता हूँ, चाहूँ तो ऐसा काम कर सकता हूँ जिससे चार और लोगों को भी नौकरी मिले। तो अगर हम स्टूडेंट्स पहले से ही इसके लिए तैयार हों तो कितने लाखों रोजगार निकल आएंगे। टीचर्स से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि एंटरप्रेन्योरशिप में हम बिल्कुल ये ना डालें कि हम आपको बिजनेस करना सिखाएंगे। हम ये चाहते हैं कि बच्चे के अंदर अभी जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, ये हाँ जी, क्लियर हुआ इस वीडियो में कि हमें क्या करना है, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू अपनी वर्किंग शुरू करनी है और हम रोजगार पैदा कर सके और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दे सके, है ना। तो यही ये कंसेप्ट है, यही अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप खुद भी आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं अर्निंग करने में, ताकि वो लोग भी एक अच्छी अर्निंग कर सके। अब हम अपनी बात करें तो व्हाट इज टीम फायर, एक 10 ईयर्स ओल्ड एक्सपीरियंस ग्रुप है जो आपको हेल्प करता है वर्क फ्रॉम होम स्टार्टअप करने के लिए, आपकी लाइफ स्किल्स जो है वो उसको डेवलप करता है, एंड हम ऑलरेडी यहाँ पे मिलियन ऑलरेडी प्रोड्यूस काफी सारे प्रोड्यूस कर चुके हैं, जो काफी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, राइट। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे और किस तरीके से करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि थोड़ा सा आगे चल के, अब आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग कर रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता कि वो कर कैसे रहे, हाउ टू अर्न मनी यूजिंग सोशल मीडिया। जैसे कि पहला क्या है, नंबर वन क्या है, एडवर्टीजमेंट्स एंड प्रमोशंस। आप लोग टीवी में देखते हैं, एड देखते हैं, बहुत सारे वहां पे आपको प्रमोशंस एंड एड देखने को मिल जाती है। विराट कोहली जी वहां पे ऐड कर रहे हैं, है ना, आलिया भट्ट फ्रूटी की ऐड कर रही है, एंड ऋतिक जी माउंटेन ड्यू की ऐड कर रहे हैं। ये क्या है, एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं, प्रमोशंस कर रहे हैं, इन प्रमोशंस एडवर्टाइजमेंट्स करके इनको लाखों करोड़ों रुपए ये लोग अर्न कर रहे हैं। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी एक तरीका है पैसा कमाने का, अर्निंग करने का, एडवर्टीजमेंट्स एंड प्रमोशन, राइट। सॉरी गाइस, इनको थोड़ी कॉफ है। तो हम आगे चलते हैं, दूसरा तरीका क्या है अर्निंग करने का, डेवलपिंग अ टीम सिस्टम, जहां पे हम एक टीम सिस्टम बना के काम करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, एक जियो जो कंपनी है वो अकेली काम नहीं कर रही, उसके पीछे एक सिस्टम काम कर रहा है, बहुत बड़ा सिस्टम काम कर रहा है। टाटा के पीछे बहुत बड़ा सिस्टम है, एप्पल, जियो, या फिर कोई भी आप कंपनीज देखते हैं, रिलायंस, वोडाफोन, एयरटेल, मारुति सुजुकी, हीरो, होंडा, हुंडई, एप्पल, कोई भी, उन सभी के पीछे एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है जो कि तैयार किया गया है, बट वो सिस्टम तैयार करने के लिए उन्होंने ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है, लाखों करोड़ रुपए वहां पे इन्वेस्ट किए गए हैं, ठीक
ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास तो अर्निंग नहीं है, मतलब कि अर्निंग तो हम करना चाहते हैं बट ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास नहीं है ना। तो अब आप कहेंगे प्रॉब्लम पता है क्या है, अब आप कहेंगे ना तो हम विराट कोहली हैं, ना तो हम अनुष्का शर्मा है, ना तो हम कोई मॉडल है, ना ही कोई हम हीरो है, तो हम कैसे ये प्रमोशंस कर सकते हैं, हम कैसे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो उसी चीज में गाइज हम आपकी हेल्प करने वाले हैं, टीम फायर आपको हेल्प करने वाली है कि आपने एडवर्टीजमेंट्स प्रमोशन ये सारा कुछ हम किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से हम यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। टीम फायर आपको सारा कुछ सिखाने वाले हैं ये सारी चीजें कि आपने यहाँ पे अर्निंग जो है वो किस वे में करनी है, किस तरीके से करनी। ठीक है जी, क्लियर है? टीम फायर 64 एक बहुत ही प्रोफेशनल ग्रुप है जो आपको हैंडलिंग सिखाने वाला है कि टीम फायर 64 हैंडलिंग हमने कैसे करनी है, और कुछ टर्नओवर हम क्रिएट करके यहाँ पे अपनी वर्किंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं एंड अर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू। फर्स्ट ऑनलाइन वर्किंग, ऑनलाइन वर्किंग आप सभी लोगों ने सुनी है, इंटरनेट का शुरू जमाना है ना, फोन हम सभी के पास है, लैपटॉप हम सभी के पास है, और इसको यूज करके हम अर्निंग कर सकते हैं। पहला तरीका ऑनलाइन वर्किंग के थ्रू बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे सिखाई जाने वाली है। सेकेंड जो तरीका है वो क्या है, डेवलपिंग अ सिस्टम विदाउट एनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट, डिजिटल वर्किंग। डिजिटल वर्किंग के थ्रू हम यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिस्टम तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छी अपनी अर्निंग जो है यहाँ पे करनी शुरू कर सकते हैं, राइट? अब आप कह रहे हैं कि भैया काम क्या करना है वो तो समझाओ, कि हमें करना कैसे है, सारा कुछ हमें क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है, अब जल्दी जल्दी ये बता दो बस करना क्या है। तो देखो गाइस सिंपल सा मैं आपको एक देसी एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके मेरे पे किसने लगाई है। कुछ लोगों के मुंह में बर्गर देख के पानी आ गया होगा। सो जैसे हम मैकडी में जाते हैं, बर्गर वगैरह खा के आते हैं, तो हम क्या करते हैं उसकी एक तरीके से एडवर्टाइज करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, हम अपने काफी सारे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, कजन्स को, नॉन सर्कल्स को शेयर करना शुरू कर देते हैं, यार आज तो मैं मैकडी गया था, मजा आ गया बर्गर खा के, बहुत अच्छा टेस्टी बर्गर था। या फिर हम कोई मूवी देखने जाते हैं, हम उसके बारे में एडवर्टाइज कर देते हैं, हम स्टेटसेस लगा देते हैं मूवी के कि यार वाह बड़ा मूवी, मजा आ गया देख के। अब मान लीजिए वही आपका स्टेटस जो आप 100 फ्रेंड्स देख रहे हैं, 100 लोगों में से सिर्फ 10 लोग जो है वो मूवी देख के आ गए, क्या उससे आपका कोई फायदा हुआ? नो। क्या आपको ये अर्निंग हुई? नो। बट एट द एंड उनको प्रमोशन एडवर्टाइज किसने किया? आपने। ऐसे ही आप बर्गर खा के आए थे, आपके कहने पे आपके यार दोस्त आपको देख के वहां पे जाके बर्गर वगैरह कुछ भी खा के आए, क्या आपका कोई बेनिफिट हुआ? क्या आपको कोई इनकम आई? क्या आपको ये एक बर्गर भी कोई फ्री में देगा? नो। वहां पे हमारा कोई भी बेनिफिट जो है वो नहीं हुआ। क्या आपको वहां से कुछ मिला? आप बताइए, डिड यू गेट एनीथिंग रिटर्न? यस और नो, रिप्लाई कीजिए फास्ट, जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में। क्या आपको वहां से किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट्स मिला? नो 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 नो, हमें वहां से कोई भी अर्निंग नहीं हो पाई, वहां पे हमें कोई भी पैसा नहीं मिला, एट दैट एडवर्टाइज किसने किया? आप लोगों ने। बट इफ यू गेट मनी ऑन योर ईच रिकमेंडेशन, कैसा रहेगा अगर आपको इन्हीं चीजों के थ्रू एक्साइटमेंट के साथ अर्निंग होनी शुरू हो जाए, कैसा फील करेंगे आप? बढ़िया रहेगा अगर आपको इस तरीके से अर्निंग करने का मौका मिले। हाँ जी, ना ही हम कोई स्टार है ना ही कुछ है, बट फिर भी हम अर्निंग कर सकते हैं। यस और नो, बढ़िया रहेगा? क्या बात है, सभी लोग कह रहे हैं यस, इंटरेस्टिंग, हम करना चाहते हैं, और फिर तो और भी ज्यादा मजा आएगा। बट हाउ कैन इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल होने वाला है, हम कैसे अर्निंग करने वाले हैं, हम ये सारी चीजें हमें कैसे मिलने वाली है? अब मैं उस चीज के ऊपर आने वाला हूँ जो सिस्टम के साथ एसोसिएट होके, जिस सिस्टम का पार्ट बन के हम ये सारी अर्निंग कर सकते हैं, राइट? हाउ, करना कैसे, मजा तो आ रहा है सुन के, यस इंटरेस्टिंग लग रहा है, कंसेप्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है, अब यही तो बात है कि करना कैसे। तो वो मैं आपको समझाता हूँ। टीम फायर 64 एक ग्लोबली कोलैबोरेट है एक बिगेस्ट ब्रांड के साथ, ठीक है, जो कि एक बिगेस्ट ब्रांड है जो इन ऑल ओवर वर्ल्ड ये बिगेस्ट ब्रांड वर्क कर रहा है, इसके साथ हम लोग कोलैबोरेट हैं, और इसके साथ वर्किंग करके हमारे साथ काफी सारे लोग हैं जो एक अच्छी अर्निंग करनी ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। तो आप भी हमारे सिस्टम का पार्ट बन के, हमारी ट्रेनिंग का पार्ट बन के हमारे साथ अर्निंग करनी शुरू कर सकते हैं। फॉरएवर लिविंग, जिसके बारे में शायद आप लोगों ने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पहले कुछ ना कुछ सुना भी होगा, कुछ नहीं सुना होगा, थोड़ा बहुत पता होगा, थोड़ा नहीं पता होगा, कुछ को थोड़ा पता होगा, कुछ को डिटेल में पता होगा, राइट? 1978 से स्टार्ट हुआ था ये ब्रांड, और आज के टाइम पे बिगेस्ट ब्रांड है, ठीक है? अब आपके माइंड में आ रहा है, अच्छा अच्छा यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स वगैरह तो नहीं बेचने? सो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ पे कुछ बेचने वाला काम होता तो मैं भी शायद आपके घर के बाहर खड़ा होता कि हाँ जी ये प्रोडक्ट ले लो, इसके ये फायदे, इसके ये फायदे। तो अपने माइंड से पहली चीज ये निकाल दीजिएगा, राइट? मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल टॉप ट्रेडिंग कंपनी है,
वेलनेस इंडस्ट्री में हम लोग डील करते हैं एंड 45 to 46 ईयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट में। 160+ कंट्रीज में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, इन ऑल ओवर वर्ल्ड। $10 बिलियन एसेट्स जो कि ऑलरेडी बना चुके हैं, 3000+ ऑफिस हैं पूरी दुनिया में, एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा एंड बीहाइव प्रोडक्ट्स में, जिसमें कि हम लोग डील करते हैं। और हमारा जो ऑफिस है वो डैलस यूएसए में से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, और आज के टाइम पे इन ऑल ओवर वर्ल्ड हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, राइट। एंड ये हमारे इन ऑल ओवर वर्ल्ड जो ग्लोबली ऑफिस है, आप देख सकते हैं किस लेवल के ऑफिस है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, मलेशिया, रोमानिया, कैनेडा, ग्रीस, है ना, और इंडिया में भी हमारे इन ऑल ओवर जो प्रेजेंस है इन 19 सेल्स ऑफिस इन ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। इंडिया है जो हमारा वेस्ट बांद्रा मुंबई में, ये हमारा मेन ऑफिस है। देख सकते हैं आप इन ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, आप कहीं से भी अपनी वर्किंग शुरू कर सकते हैं। अगर आप जम्मू से हैं तो वहां पे भी हमारा ऑफिस है, अगर आप जलंधर से हैं, मोहाली से हैं, मेरठ से हैं, अगर आप मुंबई से हैं, अगर आप गुजरात से हैं, या फिर पटना से हैं, लखनऊ से, हैदराबाद, बैंगलोर, कहीं से भी आप लोग बिलोंग करते हो कोई मैटर नहीं करता। आप लोग घर बैठ के अपना वर्किंग जो है इन ऑल ओवर इंडिया कहीं भी किसी भी कोने से बैठ के आप लोग वर्किंग शुरू कर सकते हैं, राइट। ये कुछ हमारे प्रोडक्ट्स रेंज है, एलो ड्रिंक्स, बीआई प्रोडक्ट्स, वेट मैनेजमेंट, पर्सनल केयर, स्किन केयर, है ना। तो इन चीजों में हम लोग जो कि डील करते हैं। और हमारे जो यूजर है वो आप देख सकते हैं, टॉम हॉलैंड, जो एवेंजर मूवी आपने देखी होगी उसमें स्पाइडरमैन का रोल किया था, आपने इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी आप चेक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे खुद कुछ यूजर्स रह चुके हैं, आरजी प्लस प्रोटीन वगैरह जो है ऑलरेडी फॉरएवर का यूज करते हैं, जो कि ड्रिंकिंग के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इनके सूटेबल है। एंड जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप देख सकते हैं कि एक्सपर्ट क्या है, जिनको नोबेल प्राइज विनर मिला, नोबेल प्राइज विनर है ना, फरीद मुराद, राइट, और आखिरी से जिन्होंने किया डॉक्टर जॉन डाइबर, जो ऐसे साइंटिस्ट है जिनकी बुक रीड करके लोग डॉक्टर्स बनते हैं, ऐसे साइंटिस्ट ने ये सारी चीजें तैयार की हुई, जिसकी नीड हमें भी है और हमारी फैमिली, रिलेटिव, कजन सभी को है, और उसी का हमें वर्किंग करने का मौका मिल रहा है, उसी के साथ कोलैबोरेट होके हमें अर्निंग करने का मौका मिल रहा है। तो कैसा रहेगा, वर्ल्ड का बेस्ट हमें चीजें मिल रही है यूज करने के लिए, प्लस शेयर करने के लिए। जैसे कि देखो, दो मेन इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम पे, हेल्थ एंड वेल्थ। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। अगर आप हेल्दी हैं और दूसरा पैसा आपके पास होना चाहिए, तो इन दोनों चीजों पे हम लोग वर्क करते हैं, जिससे कि आप हेल्दी भी रह सकते हैं एंड आपको एक अच्छी अर्निंग करने का मौका भी मिलता है, राइट। और फीचर्ड आप देख सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोर्स बुक में फीचर्स है, फॉरएवर लिविंग के बारे में बताया गया है, स्टडीज इनके ऊपर करनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, जिसके थ्रू काफी अच्छी जो है अचीवमेंट्स हमारी है। एंड ये कुछ न्यूज़पेपर्स कटिंग्स में भी आपने कभी ना कभी देखा होगा इसके बारे में, बट फॉरएवर कोई प्रमोशंस वगैरह ऐसे नहीं करवाती है, ठीक है, बट ये कुछ काम है सोशल मीडिया के थ्रू भी जो फॉरएवर करते रहते हैं, फॉरएवर फीचर्ड इन न्यूज़पेपर्स में भी फॉरएवर को फीचर्ड किया जा रहा है, राइट। अब आप कह रहे हैं कि पैसा कैसे, जो मेन मोटिव है हम सभी का वही है, टू वेज टू अर्न मनी। यहाँ पे दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम पैसा कमा सकते हैं, और वो दो तरीके कौन से जानना चाहेंगे? हाँ जी, यस कर लो, कौन कौन जानने के लिए रेडी है, कौन कौन रेडी है, कौन कौन एक्साइटेड है जानने के लिए? ओके, सो हम आगे चलते हैं, रेडी है सभी, एक्साइटेड है जानने के लिए? ओके, दैट्स ग्रेट। तो टू वेज टू अर्न मनी इन एफएलपी, वो क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, शेयर, रिकमेंडेशन, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, है ना। हम कुछ लोग जो है जिनको हम गुड हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं शेयरिंग करके, जिससे कि उनकी सेहत अच्छी हो जाएगी। दूसरी जो मैंने आपको बताया, हम साथ अर्निंग करने का मौका भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके थ्रू काफी सारे यंगस्टर्स की जो नीड है वो इनकम अपॉर्चुनिटी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ले लिया था, हम यहाँ पे खुद भी एक अच्छी अर्निंग करते हैं, साथ साथ हम दूसरों को भी एक अच्छी अर्निंग करने का मौका दे सकते हैं। रिकमेंडेशन, शेयरिंग, जस्ट सिंपल सा काम है जो कि हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं काफी टाइम से, बट हमें अर्निंग नहीं हुई, बट यहाँ पे हमें उसी चीज की अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाती है। नाउ हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग, आप इसका पार्ट कैसे बन सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ सीरियस लोगों को सिलेक्ट करने वाले हैं, राइट, उसी में से आपकी ज्वाइनिंग्स होंगी। ऑनलाइन हमारे यहाँ पे फॉर्म फिल हो जाता है, हमें कहीं जाने की नीड नहीं है, 160+ कंट्रीज में आपकी आईडी जो है ऑपरेट हो जाती है, जिसमें कि आप बिजनेस डेवलपर के रोल पे काम करना शुरू कर देते हैं आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग, है ना। हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग, देखो हमारा एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिसमें कि हमारी एज पता लगती है कि यस हम 18+ हो चुके हैं, राइट। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जिन्होंने भी आपको लिंक प्रोवाइड किया है उनको आप सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे ही, जिसके थ्रू आपका फॉर्म लगा देंगे, ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा, जिसके थ्रू आपकी पर्सनल एक आईडी क्रिएट हो जाएगी, उसके थ्रू आप अपनी वर्किंग जो है साथ साथ स्टार्ट करनी शुरू कर पाएंगे, ठीक है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, अच्छा, ये चैन सिस्टम वगैरह वाला काम तो नहीं है,
सो गाइस मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, यहाँ कोई चेन सिस्टम वाला काम नहीं है। चेन सिस्टम वाला कोई काम होता तो मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा होता, यही से अपॉर्चुनिटी को मैं शायद कभी स्टार्ट ही नहीं कर पा, है ना। कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है, प्रोडक्ट्स आपको लगता है मेरी पर्सनैलिटी देखिए मैं कोई प्रोडक्ट्स वगैरह बेचने जाता हूँ, नो, मैं यहाँ पर कोई प्रोडक्ट्स वगैरह सेलिंग वगैरह कोई काम नहीं है। सो फिक्स्ड माइंडसेट से मत चलिए, ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर आइए। ग्रोथ माइंडसेट की कुछ नया सीखने का मिल रहा है, कुछ मेन मोटिव क्या है यार, अर्निंग। हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं, हमें मेन मोटिव है अर्निंग। अगर आपको अर्निंग करने का मौका मिल रहा है यार, घर बैठे स्टार्टअप करने का मौका मिल रहा है, क्या हमें स्टार्ट नहीं करना चाहिए? हाँ जी यस सर, लो करना चाहिए ना, तो बस यही तो करना, और क्या करना है, राइट। तो बिजनेस इज ऑल अबाउट एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, प्रमोटिंग, जो कि हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, बट हमें कोई अर्निंग वहां से नहीं हुई। बट हम आपको उसी चीज के ऊपर सिखाने वाले हैं कि अर्निंग कैसे होने वाली है, किस तरीके से होने वाली है। अपना फॉर्म आप लोगों ने फिल करना है आधार कार्ड पैन कार्ड के थ्रू, जो कि आपके सीनियर उनको आपने सेंड करना है, जिसकी की थ्रू आपकी जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी, आईडी तो क्रिएट हो जाएगी। एंड अपना फॉर्म फिल करने के बाद उनको एक वैलिड रीजन भी बताना है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि यहाँ पे हम अर्निंग जो है किस तरीके से कर सकते हैं। जब आपकी आईडी क्रिएट हो जाती है, 12 डिजिट की आपकी आईडी बन जाती है, 160 प्लस कंट्रीज में जैसे कि मैंने बताया हम ऑपरेट करते हैं, हम फर्स्ट डे से यहाँ पे प्रेफर्ड लेवल पे आ जाते हैं। हमारी आईडी जनरेट हो जाती है, हम ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं, नॉलेज लेते हैं, उसके बाद पूरी टीम के साथ जाके हमने और लोगों को इनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, हमारी टीम के साथ हमने किया वर्किंग करनी शुरू की। एंड जैसे हम अपनी आईडी से 2 सीटी का बिजनेस कंप्लीट कर लेते हैं, हम यहाँ बन जाते हैं जी असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद जो हमारी अर्निंग है वो 10,000 से लेकर 20,000 तक हम इजिली अर्न करना शुरू कर सकते हैं पार्ट टाइम, राइट। उसके बाद पूरी टीम के साथ जैसे हमने 25 सीटी कंप्लीट किया, हम यहाँ बन जाते हैं सुपरवाइजर। इनकम जो है और ज्यादा बढ़ जाती है, 20,000 to 30,000। ओके, स्टार्टिंग जीरो से धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू है। असिस्टेंट सुपरवाइजर बने, सुपरवाइजर बने, एंड उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर। 75 सीसी कंप्लीट करते ही हम असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, एंड अर्निंग जो है 40,000 to 50,000 हम मंथली अर्न करना शुरू कर देते हैं। वाओ, दैट्स अ गुड इनकम। अगर आपको पार्ट टाइम इनकम होनी शुरू हो जाए तो कैसा रहेगा दोस्तों, बढ़िया रहेगा। हाँ जी, अब आपके माइंड में आ रहा होगा क्या ये सच है, क्या ये सब कुछ हो भी पाएगा या सिर्फ बोल रहे हैं। सो ऐसा नहीं है दोस्त, साफ साफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे और किस तरीके से ये सारी चीजें पॉसिबल है और कर भी रहे, राइट। और जैसे ही 120 सीसी हमारे कंप्लीट होता है, हम यहाँ पे बन जाते हैं मैनेजर। 60,000 टू नो लिमिट आप यहाँ पे अर्निंग करनी शुरू कर सकते हैं, 60,000 से लेकर नो लिमिट। हाँ जी, आई थिंक दिस इज गुड इनकम। एक गवर्नमेंट जॉब में हम यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आई थिंक रिटायर हो जाते हैं, 60-70-80 हज़ार तक पहुंचते पहुंचते, बट यहाँ पे आपको अर्निंग करने का मौका मिल रहा है, वो भी घर बैठ। तो कैसी अपॉर्चुनिटी है गाइस, बढ़िया है। ओके, तो मैं अपनी बात कर रहा था, मैं गाइस जैसे ही मैंने आपको बताया 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पास आउट हूँ, और 2012 मैंने अपनी कंप्लीट की थी इंजीनियरिंग। 5 साल लगातार मैंने जॉब की, 5 साल का एक्सपीरियंस था वहाँ पे डिजाइनिंग लाइन में, और उसके बाद 2017 मैंने फोरेवर को स्टार्टअप किया था, एंड बिजनेस डेवलपर के रोल पे यहाँ पे मैंने काम करना शुरू किया, एंड यहाँ पे आज मैं एक अच्छी अर्निंग भी कर रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको कुछ अपने पेआउट शेयर कर देता हूँ, जब यहाँ पे मैनेजर की बात की 2018 में सिस्टम में मैं मैनेजर बना था, तो आप देख सकते 65,730, 65,732 रुपये। हाँ जी दोस्तों, यही जो मैंने आपको बताया, फोन, लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, राइट, सीखा, नॉलेज ली, ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेते लेते काम करना शुरू किया, एंड आफ्टर मैनेजर 65,000 ये मेरी। उसके बाद जब मैं आगे गया और ज्यादा इनकम बढ़ी, करते करते मैंने 1 लाख को क्रॉस किया, 1,17,601 को क्रॉस किया, उसके बाद 1,36,000 के अप्रोक्स मैंने अर्निंग करनी यहाँ पे शुरू की, राइट। इस टाइम जो मेरी मंथली इनकम है वो 1 से 1.5 लाख के बीच में मैं ऑलरेडी अर्न कर रहा हूँ एवरी मंथ, राइट। एंड मैं अकेला नहीं, मेरी टीम में भी ऑलरेडी काफी सारे यंगस्टर्स है जो यहाँ पे एक अच्छी अर्निंग जिन्होंने करनी शुरू कर दी है। और यहाँ पे हमें अलग से जब मैनेजर बन जाते हैं उसके बाद गाड़ी लेने के लिए अलग से एक इनकम प्रोवाइड की जाती है, जिसको कि हम कार प्लान कहते हैं। लेवल वन जैसे हम अपना यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं, 26,000 रुपये हमें अलग से ऐड होके मिलना शुरू हो जाता है, वो भी 36 महीनों के लिए। लेवल टू में 39,000 36 महीनों के लिए, लेवल थ्री में 52,000 36 महीनों के लिए। हाँ जी दोस्तों, विश्वास नहीं हो रहा है, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। जैसे जैसे आप ट्रेनिंग्स का पार्ट बनेंगे, सारा कुछ आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, राइट। क्योंकि देखो, एक दिन में हम इंजीनियर नहीं बन सकते, एक दिन में डॉक्टर नहीं बन सकते, एक दिन में वकील नहीं बन सकते, एक दिन में सारा कुछ समझना पॉसिबल नहीं है। धीरे 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 हम लोग आगे चलते हैं, ट्रेनिंग्स का पार्ट बनते हैं, नॉलेज लेके हम यहाँ पे स्टार्टअप कर सकते हैं। जैसे कि मैं खुद की बात करूँ, तो मैं खुद यहाँ से क्रेटा टॉप मॉडल गाड़ी यहाँ से बाय कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट 17 लाख के आसपास मैंने ये गाड़ी यहाँ से बाय की थी अपॉर्चुनिटी के थ्रू।
गाड़ी लेना बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बहुत सारे लोग लेते हैं, बट खुद के दम पे लेना बहुत बड़ी बात है, राइट। जो भी कम एज में है ना, कम एज में अपने दम पे गाड़ी लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है, और जो कि बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। तो आप भी यहाँ का पार्ट बन के, सिस्टम का पार्ट बन के आप भी ये सारी चीजें सीख सकते हैं। और ये हमारे सीनियर मिस्टर राहुल सर ऑलरेडी जीरो से स्टार्टअप किया था, आज यहाँ से काफी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ये मेरे से भी ज्यादा यहाँ पे ऑलरेडी 3 से 4 लाख मंथली इनकम ऑलरेडी यहाँ से अर्न कर रहे हैं, राइट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से इन्होंने स्टार्टअप किया था अपना सफर, एक गाड़ी यहाँ से बाय कर चुके हैं। एंड उसके बाद मिस पूर्णिमा मैम, मेरे अपना इंजीनियर ने मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया था, ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी, राइट। गर्ल होके बीकॉम के साथ साथ इन्होंने स्टार्टअप किया था, एक लड़की होके इन्होंने यहाँ पे एक काफी अच्छी अर्निंग की। आज के टाइम पे कुछ फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं और मंथली इनकम 1 लाख के आसपास ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ दिस सिस्टम, पावर ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड यहाँ पे आप लोग भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और यह हम सभी लोग सीनियर मिस्टर हरसिमरन सिंह, जो कि ऑलरेडी कनाडा में जॉब करते थे, 3 साल का वीजा पड़ा था, वीजा छोड़ के और इन्होंने जीरो से स्टार्टअप किया था, आज देख सकते हैं मंथली इनकम 2 से 3 लाख रुपए मंथली अर्न कर रहे हैं और काफी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और हमको भी गाइड कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, जिन्होंने हमें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। गाइज अपॉर्चुनिटी बेस्ट है, बट ओवर स्मार्ट पीपल कांट डू दिस। फिक्स्ड माइंडसेट के साथ करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा कि हाँ ये वो ऐसे वैसे, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा। ग्रोथ माइंडसेट के साथ हम लोगों ने वर्किंग करनी है, ग्रोथ माइंडसेट के साथ, ठीक है। फिक्स माइंडसेट या माइंड को अगर आप ब्लॉक करके बैठ को जो मैं नहीं कर सकता, ये अच्छा वर्क नहीं है, मेरे से नहीं होगा, दिस इज टू हार्ड, तो कुछ नहीं होगा। आपको ये सोचना, आपको एक डिफरेंट वे में स्टार्टअप करना है प्यार, ठीक है। इज दिस रियली माई बेस्ट वर्क, या आप यहाँ पे एक अच्छी अर्निंग तो कर ही सकते हैं, है कि नहीं। एंड जो सिक्योरिटी की बात करें तो गाइस बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं है, बाहर अगर आप काम करते हैं तो वही है कि फिक्स्ड इनकम रहती है, जब तक आप जॉब पे जा रहे हैं तब तक सैलरी आ रही है, तब तक इनकम आ रही है ना। अगर आपने काम करना बंद कर दिया तो आपको इनकम नहीं आएगी, बट यहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिलती है दोस्तों। सिक्योरिटी के साथ साथ क्या है, एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं, माई चांस मैं मैनेजर हूँ, कुछ भी हो जाता है तो सारी सारी इनकम जो मेरी फैमिली को ट्रांसफर हो जाती है और मैं एक अर्निंग यहाँ पे अच्छी करनी शुरू कर सकता हूँ, ठीक है। मेरी फैमिली भी क्या एक तरीके से यहाँ पे सिक्योर है, 2 से 3 जनरेशन तक मेरे को ये बिजनेस सिक्योर किया जाए, ठीक है। करा क्या, वही जो मैंने आपको बताया था, ब्रांडिंग प्रमोटिंग एडवर्टाइजिंग जो हमें करना है। एक दिन में सारा कुछ क्लियर नहीं होगा, सबसे पहले आपको ट्रेनिंग का पार्ट बनना है। अभी जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, सोशल मीडिया का थोड़ा सा बताया है, अर्निंग का बताया है, प्रोफाइल का बताया है ना, एंड पे आउट का बताया कि इतनी इतनी हम अर्निंग कर सकते हैं। अब करना कैसे है, क्या करना है, वो आपको 3 से 4 दिन जब आप रेगुलर ट्रेनिंग का पार्ट बनते हैं उसमें अच्छे से क्लियर किया जाए। बट सबसे पहले आपने क्या करना है, आप जिन्होंने आपको लिंक प्रोवाइड किया उनको मैसेज डालिए अभी के अभी, आई एम रेडी कि मुझे स्टार्ट करना है, एंड माई फॉरएवर इंडिया आप डाउनलोड कीजिएगा, एंड मैसेज लिखना है वाई वी शुड सिलेक्ट यू, हम आपको सिलेक्ट किस रीजन से करें, एंड सेंड अ वैलिड रीजन कि आप सभी लोग अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, अर्निंग करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। चाहते हैं तो ये सारी चीजें जो है मैंने 4 पॉइंट्स आपको बताए, ये 4 पॉइंट्स उनको मैसेज कीजिए कि यस मेरे को स्टार्ट करना है, मेरे को बताइए कैसे करना है, ठीक है। और जैसे जैसे वो आपको ट्रेनिंग का पार्ट बनाएंगे, वैसे वैसे आपने उन ट्रेनिंग का पार्ट बनना है। सबसे पहले अब आपने करना है रजिस्टर योर आईडी ऑनलाइन, आफ्टर रजिस्ट्रेशन वी विल सिलेक्ट यू फॉर द बिजनेस ट्रेनिंग, ठीक है। अपना व्हाट्सएप नंबर उनमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, 3 से 4 दिन की रेगुलर ट्रेनिंग। नाउ गेट रेडी एंड बी थैंकफुल टू दैट पर्सन हु इंट्रोड्यूस यू टू दिस मीटिंग, जिन्होंने भी आपको ये मीटिंग प्रोवाइड की है उनको थैंक यू जरूर कहिएगा, उनको सॉलिड रीजन बताइएगा कि मेरे को स्टार्ट करना है और आगे बढ़ना है, क्लियर है जी। अब देखो मैं आपको सिंपल लास्ट में एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, एक कहानी के थ्रू समझाना चाहूंगा। एक बार क्या होता है, एक पेड़ के ऊपर ना नदी होती है, पेड़ के ऊपर एक दो बंदर बैठे होते हैं साइड में नदी के किनारे। तो रात को ना एक भविष्यवाणी होती है शाम को कि सुबह जो भी 4 बजे उठ के इस नदी में छलांग लगाएगा, राइट, वो अगर मेल है तो राजा बन जाएगा, अगर फीमेल है तो वो महारानी बन जाएगी। अब सुबह 4 बजे और उसमें से क्या हुआ, जो फीमेल थी उसने क्या किया, छलांग लगाई और वो जो बाहर निकली तो महारानी बन चुकी थी। उसने देखा यार बंदर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो दोबारा नीचे गई, उसने देखा कहीं बंदर बंदर डूब तो नहीं गया है ना, कहीं बाहर ही नहीं आया वो तो तो बाहर निकली तो उसने देखा वो बंदर जो था वो पेड़ के ऊपर ही बैठा हुआ था। तो वो कहती कि भाई तूने छलांग क्यों नहीं लगाई, वो कहता कि मैं चेक कर रहा था, मैं देख रहा था कि कुछ होगा भी कि नहीं होगा। तो वो कहती ओ बेवकूफ बंदर, अगर कुछ होता या नहीं होता तो बंदर तो था ही,
अगर छलांग लगाता कुछ नहीं बनता, बंदर तो फिर भी रहता, कुछ हो थोड़ी जाता, मर थोड़ी जाता, समझ रहे? तो यहाँ पे स्टोरी क्या अमोरिका की भी देखने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, करने से होता है, एक्शन लेने से होता है। जस्ट मैंने अभी आपको कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं जिसमें कि सारा कुछ आपको क्लियर नहीं होगा, मुझे पता है। अब आपने आई एम रेडी का मैसेज जरूर डालना है, 3 से 4 दिन ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना है, उसमें आपको डीपली क्लियर किया जाएगा कि वर्किंग क्या है, कैसे करनी और किस तरीके से करनी है। रेकमेंडेशन, ब्रांडिंग, प्रमोटिंग, जो मैंने आपको बताया, सिर्फ काम यही रहने वाला है और इसी के थ्रू हम यहाँ पे काफी अच्छी अर्निंग करने वाले हैं। सो रेडिया जी आप सभी लोग, ओके दैट्स ग्रेट। सो मैसेज कीजिए जिन्होंने भी लिंक प्रोवाइड किया था और उनकी ट्रेनिंग्स का पार्ट बनिए एंड आगे अपनी वर्किंग जो जल्दी से स्टार्ट कीजिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं जी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मीटिंग में। थैंक यू सो मच।